Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk. Deva English Spoken Class. Friends, how are you? Well, friends, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एक चैनल है जहां पर इंग्लिश विस्तार रूप से और एकदम बिल्कुल आसान तरीके से सिखाई जाती है। तो फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज फिनिश्ड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फिनिश हो चुका है और आज हम शुरू करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, जैसा कि हर वीडियो में मैं एक कन्वर्सेशन वीडियो डालता हूँ, आधे मिनट का या एक मिनट का, जितनी देर का भी हो, आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको सुनकर ये पता चले कि हम इंग्लिश में बात कैसे कर सकते हैं। और जो कुछ भी सेंटेंसेस मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो कुछ भी बता रहा हूँ मैं, उसका इस्तेमाल हम कन्वर्सेशन में किस तरह से करते हैं। तो चलिए हम आज पास्ट परफेक्ट टेंस शुरू करते हैं, और उससे पहले हम एक वीडियो देखते हैं कन्वर्सेशन का, जिसमें ज़्यादातर पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित सेंटेंसेस होगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वीडियो। सुरेखा दीदी, डू यू नो यस्टरडे माय फादर गेव मी 500 रुपीस बिफोर ही वेंट टू मुंबई। ओह सो गुड, नाउ यू कैन बाय बेड। यस्टरडे आई केम टू योर हाउस बट यू वर नॉट देयर। वेयर हैड यू गॉन? At what time did you come? At 5 in the evening. Actually, I had started from my house before you came. Oh. I went to attend my friend's birthday party. Did you sing and dance? No. Actually, the party had been finished before I reached there. Oh, so very bad. The friends, आपने देखा कि स्टूडेंट्स किस तरह से बातें कर रहे थे, उसमें ज़्यादातर पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस था। अभी आपको समझ में आ गया होगा शायद कन्वर्सेशन से कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कैसा होता है और क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान के नियम क्या होते हैं कि चुका था, चुकी थी, चुके थे। सेंटेंस में लास्ट में ऐसा रहेगा, या वर्ब के बाद, वर्ब के बाद गया था, गई थी, गए थे, इस तरह से भी रहेगा। मतलब ये पहचान के नियम है, जिससे हम सेंटेंस के अंत में क्या आता है उससे हम पहचान सकते हैं। बट अगर मैं आपको अच्छी तरह से समझने के लिए बताऊं कि वैसे सेंटेंस, दो सेंटेंस जिसका भूतकाल में दो सेंटेंसेस की बातें होती है और एक एक जो कार्य होता है, दो काम करने की बातें होती है, भूतकाल में हम दो काम करने की बातें करते हैं और एक काम दूसरे काम से पहले ही पूर्णतः पूरा हो चुका होता है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मेरे आने से पहले वो जा चुका था, मीन्स मेरे आने से पहले वो जा चुका था। एक काम पूरा होने से पहले दूसरा काम जो है वो पूर्णतः पूरा हो चुका था, मतलब जो दूसरा वाला काम है, मेरे आने से पहले वो जा चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हुआ। या मेरे आने से पहले वो चला गया था, जा चुका था लास्ट में आ रहा है, या वो चला गया था, गया था भी आ सकता है, गया था, गए थे, गई थी, या चुका था, चुके थे, चुकी थी, इस तरह के सेंटेंसेस में लास्ट में आते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। मीन्स कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि वैसे दो कार्य, भूतकाल के दो कार्य यानी कि पास्ट के दो काम, जो ये दर्शाता है कि पहला काम पूरा होने से पहले दूसरा काम पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से कंप्लीटली पूरा हो चुका था, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम सेंटेंस लेते हैं। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी,
मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। पहला कार्य क्या है? मैं स्कूल पहुंचा, और दूसरा कार्य घंटी बज चुकी थी। ये जो दूसरा काम है वो पहले पूरा हो चुका था, यानी पूर्णता कंप्लीटली घंटी बज चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले ही। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस इस तरह के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम बनाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। दूसरा सेंटेंस, घंटी बज चुकी थी, ये हम दूसरा सेंटेंस पहले लेंगे। द बेल हैड रंग, और इसको जो है हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मीन्स सेकेंड फॉर्म वाला, तो बिफोर, पहले मीन्स बिफोर आई रिच्ड स्कूल, द बेल हैड रंग, यहां पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मेकिंग फॉर्मूला जो पास्ट परफेक्ट टेंस का है वो मैं अभी लिख देता हूं आपको, देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो ये है मेकिंग फॉर्मूला, बट इसमें दो दो सेंटेंसेस आ रहे हैं, इसलिए हम दूसरा जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो द बेल हैड रंग, रंग यहां पे लिखेंगे बिफोर आई रिच्ड स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। जब वह आया बारिश शुरू हो चुकी थी। ठीक है, जब वह आया बारिश शुरू हो चुकी थी। तो द रेन हैड स्टार्टेड, जब मीन्स व्हेन ही केम, द रेन हैड स्टार्टेड व्हेन ही केम। ठीक है फ्रेंड्स, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, भाग चुका था या भाग गया था, हम गया था भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। द थीफ हैड फ्लीड अवे, चोर भाग गया था, तो कब? बिफोर पुलिस केम। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इजी है, मीन्स उतना मुश्किल नहीं है, बस समझना है आपको कि कौन सा सेंटेंस हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से बनाएंगे और कौन सा सेंटेंस हम पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से बनाएंगे। ये भी समझना कोई मुश्किल नहीं है, जिसके अंत जो अंत में आ रहा है चुका था, चुके थे, चुकी थी, या गया था, गए थे, गई थी, वो सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट टेंस में है, इसलिए हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से बनाएंगे। और ये जो पुलिस आने से पहले या जब पुलिस आई, इस तरह से भी हो सकता है, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम कुछ अलग तरह के सेंटेंसेज लेते हैं। दो सेंटेंसेज वाले सेंटेंस होंगे, बट उसमें हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दोनों सेंटेंस में ही पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे खाने से पहले उसने अपना हाथ धोया, खाने से पहले उसने अपना हाथ धोया। ये सेंटेंस किस तरह का है? पास्ट में दो कार्य हुए, दो काम हुए हैं पास्ट में, बट दोनों मतलब एक दूसरे के बाद इतने जल्दी पूरा हुआ है कि उसका गैप पता नहीं चलता है। अब जो इसके पहले जो सेंटेंसेस था उसमें पूर्णतः दूसरा कार्य पहले कार्य से पूरा हो जाने की बात बताई जा रही थी, लेकिन इसमें क्या है, खाने से पहले उसने अपना हाथ धोया। उसने एक काम खत्म होने से, दूसरा काम खत्म होने से पहले, पहला काम जो हुआ था तुरंत ही हुआ था,
मीन्स ज़्यादा गैप नहीं है, पूर्णता मतलब कंप्लीट होने की बात नहीं की जा रही है इसमें, इसमें एक के बाद दूसरा काम तुरंत शुरू होने की बात की जा रही है, पूरा होने की बात की जा रही है, इसलिए इसको हम ऐसे बनाएंगे। खाने से पहले उसने अपना हाथ धोया, तो उसने अपना हाथ धोया, ही वॉश्ड हिज हैंड पहले, बिफोर ही एट, ठीक है, मेरे आने के बाद वो गया, मेरे आने के बाद वो गया, तो वो गया, ही वेंट आफ्टर आई केम, मेरे आने के बाद वो गया, मिस जब मैं आया उसके बाद वो गया, मेरे आने से पहले वो नहीं गया था, अगर मेरे आने से पहले वो चला जा चुका होता तो फिर वो पास्ट परफेक्ट में बनता कि ही हैड गोन बिफोर आई केम, बट मेरे आने के बाद गया इसलिए ही वेंट आफ्टर आई केम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दो तरह के सेंटेंसेस है पास्ट परफेक्ट टेंस में, दोनों तरह के सेंटेंसेस को आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। जो पहला तरह के सेंटेंस था उसमें भी पास्ट में दो काम पूरा होने की बातें बताई जा रही थी, लेकिन उसमें पहला काम पूरा होने से पहले दूसरा काम पूर्णतः कंप्लीट होने की बात बताई जा रही थी, और दूसरे में क्या है, पहला काम पूरा होते ही दूसरा काम पूरा हुआ, मिस ज़्यादा फर्क नहीं है, उसके तुरंत बाद ही हुआ, ज़्यादा देर नहीं हुआ, इसलिए हम इस तरह के सेंटेंसेस को, दोनों ही सेंटेंसेस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को हम पहचानते कैसे हैं और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बिल्कुल ही सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें दो तरह के सेंटेंसेज होते हैं, जो पहला बताया वो और जो अभी बता रहा हूँ ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।